जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हो कि मैं मीटर की टेस्टेड लॉन्च उसके प्राइस सब बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो जल्दी जाके मेरे चैनल पर देखो, वरना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। और वैसे भी आप लोग दिवाली पे देख रहे हो ये वीडियो, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा थंडरबर्ड 350 वर्सेस मीटियोर 350, क्योंकि मैं ये बात अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नहीं देखी तो भाई तुम ध्यान से वीडियो देख रहे, मेरी ध्यान से देखो, एक एक बात सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं उसी से रिलेटेड अगली वीडियो लेके आता हूँ ताकि तुम कनेक्टिविटी बनी रहे हमारी। तो इस वीडियो में थंडरबर्ड 350 वर्सेस मीटियोर 350 का कंपेरिजन करूँगा। तो चलते अपनी बाइक के पास, क्योंकि बहुत टाइम मैंने निकाली भी नहीं थी, तो आज इससे कम थोड़ी साफ भी हो गई है और कंपेरिजन में कर लेंगे तो मजा नहीं लाई। आ जाओ, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हैंडल के बारे में। तो मीटियोर के हैंडल जैसे हमने देखा था कि बड़े ही इंटरेस्टिंग स्विच दिए हुए थे हेडलाइट के लिए और हमारे इग्निशन के लिए। तो जैसे पुरानी बाइकों में आता है एक खटका, जो मैं कह रहा था खटका स्विच टाइप, दोनों खटके दे रखे हैं और मीटियोर में स्लाइड दे रखा है लेफ्ट और राइट वाले, जो बता चुका हूँ मैं। अगर नहीं देखी तो मैं दोबारा करूँ, जाके देख सकते हो। अब आते हैं हम इसके इंजन पे, इंजन के पास, कार्बोरेटर के पास। तो यहाँ पे जो मीटियोर की 350 थी, वहाँ पे कैप लगी हुई थी, मतलब एक लॉक था कि हाँ पेट्रोल चोरी, जैसे इसमें ओपन का ये दे रखा है पेट्रोल के लिए लॉक, उसमें नहीं है, पूरा पैक कर रखा है ताकि पेट्रोल चोरी हो सके। इसमें पेट्रोल बड़े आराम चोरी हो सकते, क्योंकि कोई पाइप भी खींचेगा ये ऑन कर देगा तो सारा पेट्रोल निकल जाएगा, तो अपना भट्टा बैठ जाएगा। तो नई बाइक में ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए भी ये चीज़ आनी चाहिए। तो थंडरबर्ड 350 का जो साइलेंसर है, ये नॉर्मली स्टॉक साइलेंसर है, जो कि इस बार मीटियोर 350 में काफ़ी चेंज किया गया है। उसमें ब्लैक वाला पोर्शन नहीं दिया है, पूरा का पूरा एसएस पार्ट है, पूरा का पूरा एसएस पार्ट है। उसमें कोई भी ऐसा कोई वेरिएशन नहीं दिखाई कि हाँ ये वाले प्लेट लगा दी, ये प्लेट लगा दी, नॉर्मल साइलेंसर है प्लेन, उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं इसके पीछे की फेंडर की। तो इस जो थंडरबर्ड है इसका नॉर्मल फेंडर दिया हुआ है, जबकि मीटियोर 350 में चौड़ा फेंडर है, मतलब कमांडो टाइप, जैसे अगर कमांडो की बाइक देखी तो चौड़ी वाली है। वो हेडलाइट भी थोड़ी नई है, ये वाली हेडलाइट थोड़ी नई टाइप दी है, वो कहता है ना लैम्प टाइप, लैम्प लगा रखा है पीछे। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उसके टूटा खट्टा हमेशा रहता है, और थंडरबर्ड 350 और मीटियोर 350 के जो कंसोल है, इन दोनों टूटने का खतरा भी हमेशा बना रहेगा। और इसकी हमेशा एक प्लेट जो चिप होती है हमेशा लेकर चलें, तो क्या पता कब किस्मत टूट जाए। थंडरबर्ड 350 का जो फ्यूल टैंक है वो 20 लीटर का है, सबको पता है। और जो मीटियोर 350 का जो फ्यूल टैंक है वो 15 लीटर का है, और सबको पता है ये रिजर्व 2.5 लीटर का आता है, और नॉर्मल जो एक्चुअल पेट्रोल मिलता है 13 लीटर है उसमें, वो भी कम मिलता है क्योंकि इसका पता नहीं VS4 है नली है। और मेन बात ये बता दूँ मैं, जो ये बाइक है काफ़ी ओपन लगती है, मतलब स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। वो जो मीटियोर 350 है उसके अंदर स्पेसिंग इतनी देखने को नहीं, काफ़ी हैवी बाइक लगती है देखने में, ये इतनी देखने में हैवी नहीं लगती, वो देखने में हैवी लगती है। और बात कर ले इसके ब्रेक की, हाँ तो थंडरबर्ड 350 में आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, जबकि मीटियोर 350 में दोनों जगह डुअल चैनल ABS है, मतलब ब्रेकिंग काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब आराम से अगर स्लिपरी रोड है, बजरी है, आराम से बाइक रुकेगी, बस है तुम कंट्रोल करना जानते हो तो, वरना गिर गए तो भी भगवान बचाए। तो अब दोनों बाइकों का एग्जॉस्ट साउंड देखते हैं किसमें कितना ज़्यादा है, किसमें कितना कम है। तो भाई पीछे आ जा, तो जैसे कि मैंने जब मैं टेस्ट लिया था मीटियोर 350 की, तो मैंने ये कहा था कि हॉर्न अप टू द मार्क नहीं है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जैसे कि इसका है, क्योंकि इसमें डबल हॉर्न दिए हुए हैं, डबल हॉर्न दिए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम नाइट राइड कर रहे हो या दिन में भी राइड कर रहे हो और ट्रक आगे तुम्हें ओवरटेक करना है, तो हॉर्न इसका आराम से नहीं देगा, रात में तो पासिंग मारनी ज़रूरी होती है, सबको पता ही है। और देखो बाकी दोनों बाइक रॉयल एनफील्ड की है, तो तुम्हारे पैसे लगने हैं, चाहे अभी नहीं तो बाद में तो लगेंगे, क्योंकि एनफील्ड की बाइक हैं लगते ही हैं, बट मानो ना मानो लगता ही है। और अगर शौक है तो भैया हाथी पालो, फिर क्या दिक्कत खर्चों का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतने, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।